हेलो फ्रेंड्स, पामिस्ट्री की मैरी सीरीज में लेसन नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाथ की, ऐसे व्यक्ति की हाथ में की, ऐसी फीमेल के हाथ की जो अपनी भावना के वशीभूत होकर, एक नेम्फोमैनिक हाथ की बात करेंगे, जो जिसके दिमाग पे जो सेक्स है वो बहुत ज़्यादा हावी रहता है और अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो जो फीमेल है अपनी सीमाएं लांघती है। और जब उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होती किसी वजह से, तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वो लोगों से रुष्ट हो जाती है, बात बात पे खींचती है। ऐसा एक हाथ, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अपना बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हैं उनका कहीं ना कहीं बृहस्पति से नाता अच्छा नहीं रहता। एक तो ये बात, दूसरी ये बात, उनको किसी का डर नहीं रहता। तीसरी ये बात कि उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। हमें क्लू कहाँ से मिलेगा, इस बात का क्लू कहाँ से मिलेगा? क्लू है कि जो मैरिज लाइन है वो मैरिज लाइन जंजीर नुमा होगी। क्लू है कि मैरिज लाइन जंजीर नुमा होगी। हाथ के ऊपर सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत के ऊपर शादी की रेखा होती है और वो जंजीर नुमा होगी। जब वो जंजीर नुमा होगी तो एक पामिस्ट के लिए ये एक क्लू के लिए क्लू जैसा है कि आगे बढ़ के देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं जो हम सोच रहे हैं। तो उसकी सपोर्टिव क्या होना चाहिए, उसके हाथ पे एक से ज़्यादा दो तीन चार मैरिज लाइन्स होनी चाहिए। उसके हाथ के ऊपर जैसे ये मैरिज लाइन है, उसके साथ उसके हाथ में एक से ज़्यादा ये मैरिज लाइन्स होनी चाहिए, शादी से पहले वाली, शादी के बाद वाली छोटी छोटी लाइन्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस फीमेल की लाइफ में एक से ज़्यादा व्यक्ति आने हैं जो उससे फिजिकल रिलेशनशिप बना के रखेंगे। और जब ये मैरिज लाइन जंजीर नुमा है तो इसका मतलब एक तो सीधा है कि उसके घर में क्लेश है। घर में क्लेश तो होगा ही जब आप ऐसी काम करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। तब दूसरा क्लू कहाँ से मिलता है कि हृदय रेखा जाके बृहस्पति के माउंट को काटती हुई बीच में घुस जाए। इसका मतलब क्या हुआ? उसने बृहस्पति का पर्वत पेंचर कर दिया, उसकी पावर को कम कर दिया। और जब ये बीच में घुस गई और देखा, ये भी देखने को आपको मिलेगा कि बृहस्पति का पर्वत छोटा होगा, बृहस्पति का पर्वत छोटा होगा या होगा ही नहीं, बैठा हुआ होगा। और दूसरे, इंसान निडर कब होता है, किसी की परवाह क्यों नहीं करता? जब लाइफ लाइन से माइंड लाइन का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द लाइफ लाइन और ये, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो डिस्टेंस है ये इतना बड़ा रहा है। दिस इज द डिस्टेंस, खुली हैं आपस में, ये आपस में जनरली मिली हुई होती हैं, लेकिन जो अपने खुद के स्वभाव के मालिक होते हैं, जी किसी की परवाह नहीं करते, खुद की मर्जी के मालिक होते हैं, उनकी हेडलाइन और लाइफ लाइन में काफ़ी बड़ा फासला रहता है। यहाँ आपने देखा ये फासला भी मजबूत है। और ये भी आपने देखा कि ये जो पर्वत है बुध का, ये भी कोई अच्छा नहीं है, ये भी छोटा पर्वत है, बैठा हुआ है, किसी एक तरफ को बैठा हुआ है ऐसा, इसमें बहुत से लाइंस भी हो सकती हैं। ये बुध, ये जो बृहस्पति का पर्वत है ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जो मैरिज लाइन है इसके साथ छोटी छोटी और लाइंस भी हैं, दीज आर कॉल्ड लाइंस ऑफ यूनियन। एक से ज़्यादा मैरिज लाइन होना मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैरिज लाइन से ऊपर का, ऊपर यदि कोई मैरिज लाइन बनती है तो उसका मतलब होता है
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो शादी के बाद होते हैं। मैरिज लाइन से नीचे जो लाइंस बनती हैं उनका मतलब होता है कि प्री मैरिज अफेयर्स, और उसके बाद फिर वही बात है, विल जो आपका इच्छा शक्ति है वो बड़ी है लॉजिक से, ये आपकी इच्छा शक्ति है, ये आपका लॉजिक है, लॉजिक छोटा है, इच्छा शक्ति बड़ी है। हम बोलेंगे लॉजिक इज लेसर देन विल, और विल इज ग्रेटर देन द लॉजिक। और साथ में ही आप देखेंगे शुक्र का पर्वत बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा गद्देदार है, बहुत ही ज्यादा कुशन लिए बैठा है, और इसमें इंसान का सेंसुअस होना स्वाभाविक है, और ऐसे में जंजीर नुमा मैरिज लाइन का होना ये बताता है कि विलासिता के लिए एक तो होता है ना कि इंसान किसी और तरीके से विलासिता के लिए सब कुछ है, अच्छी फैमिली लाइफ है, उसके बाद भी उसकी नेचर ऐसी बन चुकी है कि वो और लोगों से रिलेशन बनाना उसका एक शौक बन गया है, ये ऐसी लाइन है। इसको देखने के बाद एक पामिस्ट बड़े आराम से जज कर सकता है, लेकिन मैं दोबारा फिर बताता हूँ कि केवल ये लाइन देखने के बाद ये बात बोलनी ठीक नहीं रहेगी, उसके लिए देखना होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द हेडलाइन एंड द लाइफ लाइन, उसके लिए देखना होगा कि वीनस का पर्वत कितना उभरा हुआ है, उसके लिए देखना होगा कि जो बृहस्पति का माउंट है वो कहीं पंचर तो नहीं है, वो कहीं कमज़ोर तो नहीं है या है ही नहीं, उसके लिए ये देखना होगा कि जो लॉजिक है वो कमज़ोर है और विल जो है वो स्ट्रांग है। ये सब देखने के बाद ही मेरी ये आपको विनती है कि कोई फैसले पे पहुँचे, और जब भी किसी लड़का और लड़की का हाथ आपस में मिलाया जाता है तो उस समय लड़की के हाथ में ये देखा जाए कि कहीं लड़की ऐसा तो नहीं करेगी जिससे कुल का नाम बदनाम हो जाए। तो इन बातों के साथ ही मैं आपको ऐसा आश्वासन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी किसी और नए टॉपिक पे, मैरिज के टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।